किसी का भाई किसी की जान। अरे बाप रे बाप, लास्ट के 4 या 5 दिन बचे हुए इस फिल्म के, एंड इस फिल्म का एडवांस बुकिंग थोड़ा लेट से शुरू हुआ है। एज कम्पेयर टू कंसिडरिंग द स्टारडम, उस हिसाब से इस फिल्म का एडवांस बुकिंग पहले स्टार्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। एंड एक फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग है जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। वो एग्जैक्टली मैं नंबर्स बता सकता हूँ, कल जितने भी सेंटर्स हैं, मल्टीप्लेक्स के सेंटर्स हैं, वो सारे सेंटर्स कल खुलने वाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सिंगल स्क्रीन्स परसों तक टोटली, यानी कि ट्यूजडे तक पूरा का पूरा इंडिया का जितना भी इस फिल्म का एडवांस बुकिंग स्लॉट है, सब कुछ खुल जाएगा भाई। तो अभी कुछ सेंटर्स में, यानी कि मलाड में, मुंबई में मलाड में 2 सेंटर्स ऐसे जहां पर एडवांस बुकिंग चालू हुई है इस फिल्म की। एंड एडवांस बुकिंग खुलकर ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 घंटे हुए, एंड द स्क्रीन्स आर लाइक टोटली एम्प्टी। बिकॉज अभी सडन तो बुक नहीं होगा, बट कंसिडरिंग द क्रेज वो एडवांस बुकिंग एक, मतलब एक ही बार के स्लॉट में फुल होनी चाहिए थी। लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। बट कंसीडरिंग द स्टारडम, उस हिसाब से देखा जाए तो मुंबई एक बहुत बड़ा, एक ऐसा मतलब स्लॉट था जहां पर एडवांस बुकिंग होनी चाहिए थी। लाइक अभी तो 2 सेंटर्स खुले, 2 सेंटर्स में एक सेंटर तो एटलीस्ट रेड होना चाहिए था, या फिर 2-3 शोज रेड होने चाहिए थे। लेकिन चलो, वक्त आने पर दिख ही जाएगा, पता तो चल ही जाएगा एडवांस बुकिंग का जो रेशियोस एंड नंबर ऑफ टिकट सेल्स कितने हैं इस फिल्म के। बिकॉज मैं अभी भी चेक कर रहा हूँ, जो भी वीडियोस एडवांस बुकिंग्स या बॉक्स ऑफिस के ऊपर बनाऊँ, तो उसमें कुछ ना कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि ये 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ कर देगी। तो गाइस सरासर ये मजाक बन रहा है तुम लोगों का कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा कुछ लिख रहे। तो कमिंग टू द एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड, जो भी चीज़ है, एडवांस बुकिंग अभी बहुत 5-6% जगह पर ही खुली है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। बिकॉज दूसरे स्टेट्स में, बिहार में भी मैंने चेक किया, एक सेंटर ऐसा है जहाँ पर एडवांस बुकिंग खुला है इस फिल्म का। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कल और परसों, ये 2 दिन से पता चल, ये 2 दिन के एडवांस बुकिंग से पता चल जाएगा कि ये फिल्म भाई ओपनिंग डे कितना कलेक्शंस कर सकते हैं। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सुपर एंड सुपर डिजास्टर होने वाली है फिल्म, तो जब तक हम लोग, जब तक कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचते, रिपोर्ट्स पे नहीं पहुंचते हैं रिगार्डिंग द नंबर्स एंड एनालाइज, जो एनालिटिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ नंबर्स ऑफ टिकट्स सोल्डेड, ये सब चीज़ें नहीं देख लेते, तो अपन कंसिडर नहीं कर सकते कि ये डिजास्टर होगी या सुपर हिट होगी, ये कोई कंसिडर नहीं कर सकते। एज ऑफ नाउ 2 सेंटर्स ऐसे जहां पर किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने वहाँ पर रह रहे हैं, मुंबई में, मुंबई के 2 सेंटर्स खुले, एंड बिहार के 1 सेंटर खुला है। तो जो लोग वहाँ पर, दिल्ली में कोई भी सेंटर्स नहीं खुले, साउथ में भी कोई भी सेंटर्स नहीं खुला, हैदराबाद में भी 1 सेंटर खुला हुआ है, तो जो लोग को ये न्यूज़ नहीं मिली है एडवांस बुकिंग के रिलेटेड, एंड जिन्होंने टिकट्स बुक नहीं किया रिलेटेड टू दैट स्पॉट, तो आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं अगर मूवी देखने के लिए जाना हो तो। तो वीडियो एंड अपडेट सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।